वर्ष 2004 में हमारी पहली रचना अभिव्यक्ति का प्रकाशन हुआ था और उस रचना में प्रकाशित कविताओं को आप सबने काफ़ी सराहा। बहुत दिन बाद हमारी स्मृतियों में रचनाएं पुनः एक बार आईं तो मुझे लगा कि उसकी एक बड़ी मशहूर छोटी छोटी कविताओं का जो एक छोटे छोटे दो दो लाइनों के जो बंद थे वो आप तक पहुंचाई जाएं तो निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा। हमारी कविता का शीर्षक ललकार, जो अभिव्यक्ति 2004 में जो प्रकाशित हुई है उसमें प्रकाशित रचना है और इसमें छोटे छोटे भावों को लेकर के हमने पिरोने का प्रयास किया है। शत्रु की ललकार को भी वार कहते हैं, शत्रु की ललकार को भी वार कहते हैं और प्यार की टकरार को भी प्यार कहते हैं। शत्रु की ललकार को भी वार कहते हैं, प्यार की टकरार को भी प्यार कहते हैं और बेसहारों का सहारा बन सको तो बन लो तुम, बेसहारों का सहारा बन सको तो बन लो तुम, क्योंकि डूबते में तिनके को पतवार कहते हैं, क्योंकि डूबते में तिनके को पतवार कहते हैं और आ गया दुश्मन हमारे और तुम्हारे बीच में, पीठ मत दिखलाना इसको हार कहते हैं, पीठ मत दिखलाना इसको हार कहते हैं और देश को आगे बढ़ाओ कर्म करके रात दिन, देश को आगे बढ़ाओ कर्म करके रात दिन, क्योंकि सत्कर्म को जीवन का मूलाधार कहते हैं और सुख के साथी हैं हजारों एक से बढ़ एक ये, सुख के साथी हैं हजारों एक से बढ़ एक ये और दुख में नजरें न चुराए यार कहते हैं, उसको यार कहते हैं और दीन दुखियों के दुखों से वास्ता रखती हो जो, हम उसे ही लोकप्रिय सरकार कहते हैं और वेशभूषा रीति भाषा है अलग तो क्या, वेशभूषा रीति भाषा है अलग तो क्या, ये जमी मेरा वतन, ये जमी मेरा वतन खुददार कहते हैं और देश में मेरे रहें और गाएं अब उस देश के, ऐसे गुनहगारों को ही गद्दार कहते हैं, ऐसे गुनहगारों को ही गद्दार कहते हैं।